ओ मुझो खटी आयो खैर सा नारी राज का सकाफती दिन जो है वो बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पर हम मौजूद हैं जो है हैदराबाद प्रेस क्लब पर, जहाँ पर सिंधी सकाफती जो है वो दिन की मुख्य तकरीब यहाँ पर चल रही है, जहाँ पे ना सिर्फ शहर भर से बल्कि अंदरूनी सिंध से भी लोग यहाँ पर आए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो है वो रंग बिरंगी सिंधी कल्चरल डे के हवाले से जो है वो लिबास जेबतन करके लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सकाफती दिन को जो है बड़े भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने मुख्तलिफ जो है वो लोगों से भी बातचीत की, जिनका कहना था कि ये सकाफती दिन हमारे लिए किसी ईद के दिन से कम नहीं है और आज के दिन जो है वो हम अपनी सकाफत के दिन के हवाले से जो है वो ड्रेसिंग करते हैं, कपड़े वगैरह पहनते हैं और एक दूसरे को जो है वो मुबारकबाद देते हैं और अपनी सकाफत को भरपूर तरीके से जो है वो मनाते हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं हैदराबाद प्रेस क्लब पर, यहाँ पर हमने मुख्तलिफ जो है वो जगहों का विज़िट भी किया और यहाँ पर मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर रैलियाँ भी आ रही हैं और अपनी सकाफत से मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। मुझो खटी आयो खैर सा, मुझो लड़ी आयो लाड़मा। मैं तो सबसे पहले धूम टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि आज उसने ये कर लिया कि आप भी सिंध के साथ हो, सिंध की सकाफत के साथ हो। आज हर तरफ देख रहे हो हैदराबाद के अंदर खास तरह के हर तरफ सिंध के जो सखावत के रंग हैं वो बिखर कर आए हैं। किसी के सर पे टोपी है, किसी के सर पे पटका है, किसी के सर पे गांव। आज पूरी सिंध, पूरे दुनिया को ये मैसेज जाएगा कि सिंध का कल्चर, कौम, बोली, ज़बान, ये तारीखी वतन है जिसको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, चाहे कोई भी दुनिया का ताकतवर हो। क्योंकि सखावत हो तो सिंध है, सखावत है तो दुनिया है, सखावत है तो हम हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नेक भट्टी है और देखा जाए तो आज का दिन हमें ईद का समा लग रहा है। ईद पे भी इतनी खुशी नहीं होती है जितनी आज के दिन पर खुशी है। और ये हम सिंधियों का सखावती थे, ऐसा दिन हम तो कहते हैं कि हमेशा मनाना चाहिए, लेकिन साल में एक दफ़ा आता है वो इतना इंजॉय होता है, इतना इंजॉय होता है कि हम कहते हैं कि बस इसी तरह से इंजॉय करते रहे। क्योंकि इसके दिन पर आप देखेंगे ईद के दिन पर लोग क्या करते हैं, घरों पर होते हैं, हमारी फैमिली जो घरों पर होती है, लेकिन आज आप देखेंगे हमारी फैमिली भी रोडों पे है और माशाल्लाह खुशी मना रही है और इस तरह की खुशियाँ हमेशा मनानी चाहिए। हमें जो आज का दिन है वो ईद के दिन से भी ज़्यादा बेहतरीन दिन है। ये दिन कौमों को, कौमों की जागराफी हदों को और कौमों की सकाफत को बचाने वाले दिन हैं। इन्हीं दिनों के ऊपर कौमों की तारीखी तमन्नाओं का पता चलता है कि कौमें कितनी पुरानी है और कौमों की सकाफत क्या है। की पसंद पार्टी के तरफ से, डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद की तरफ से हम ये आज कल्चर डे मना रहे हैं। हमारा सिंध हज़ारा सालाना मादर वतन है, उसकी तहजीब, उसकी कल्चर हर साल की वजह से, हर साल की इसमें कोई भी ज़ात बरादरी नहीं है। सारे सिंधी, उर्दू बोलने वाले, पख्तून, बलोच, सारे आज 4 दिसंबर पे इस हैदर चौक पे इकट्ठे होके दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं हम कल भी सिंधी मुतहद थे और हम आज भी अपने सिंध मादरे वतन के लिए मुतहद हैं।